सो गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि गाइस यार जो हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल है वो गाइस यार कौन सा होने वाला? नहीं कोई बात नहीं। अगर गाइस यार आप लोगों को नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट गोल्ड रॉयल कौन सा कंफर्म आने वाला है। और सिर्फ यही नहीं गाइस, जो हमारा ओबी अपडेट आने वाला है उसमें लिटरली इतने सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इतने सारे अपडेट्स, मतलब आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स बताने को है जो नए नए आने वाले हमारे गेम के अंदर, कि गन में क्या चेंजेस आने वाला है, नया ग्लू वॉल कौन से आने वाला है, नया एयरड्रॉप का क्या सिस्टम होने वाला है, बहुत कुछ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 दिन बाद अपडेट आई थिंक 16 तारीख को, ठीक है, और आज गाइजर हो चुकी है 13, मतलब 2 से 3 दिन बचे हैं शायद, मेरे को जितना सुनने पे आया है 15-16 को आपका ओबी का अपडेट है। ठीक है, तो सब चीज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए गाइस अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले तो गाइजर मैं तुम लोगों को गुड न्यूज के बारे में बता देता हूं, क्योंकि तुम लोग यार गुड न्यूज सुनने के लिए आए और मैंने सोचा कि क्यों तुम लोगों को इतना तड़पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहली जो गुड न्यूज है वो 16 तारीख को मिलने वाले कुछ फ्री रिवॉर्ड्स है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 तारीख को आप लोगों का ओबी का अपडेट आने वाला है, अब जिस दिन ओबी का अपडेट आएगा तो आप लोगों को कुछ फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे जो मैं आपको पोस्टर पे दिखाता हूँ। ये एक पोस्टर निकल के आई है, तो ये जो गाइजर आपको दिख रही है फ्री रिवॉर्ड्स आफ्टर पैच, जिसमें दिखाया गया एक पैट दिखा रहे हैं जो नया आने वाला है, फिर एक इमोट है जो आपको मिलने वाला है, और साथ ही साथ एक बैकपैक है, और ये बीच में एक ग्लू वॉल भी है। अब पता नहीं ग्लू वॉल मिलेगा कि नहीं, बट ये पोस्टर गाइजर अभी ऑफिशियली आया है। अब देखो यार, ये सारे सर्वर को मिल रहा है तो हमारे सर्वर को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो पैच अपडेट आता है, मतलब यानी ओबी का अपडेट आता है, वो सबके उसमें आता है, ऐसा नहीं कि बस एक हमारे सर पे आ रहा है। तो आपको पता है कि उस दिन पूरा दिन गेम में बंद रहता है, तो बेसिकली ये रिवॉर्ड दिखाए गए हैं। तो ये जो सारे रिवॉर्ड्स हैं आप लोगों को कुछ लॉगिन करने में मिल सकता है, या फिर कोई मिशन करने में मिल सकता है, ऐसा कुछ भी जो भी रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है अभी CS रैंक, मतलब जो CS मोड रैंक मोड रहता है उसमें भी गोल्डन आप लोग को गन की स्किन मिलेगी कोई ना कोई। अब वो कौन सी गन की स्किन है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो आप लोग जान लो ये सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस यार अगले अपडेट के बारे में। अब अगला जो अपडेट है वो गाइस यार बेसिकली हमारे मिस्ट्री शॉप से है। तो गाइस यार बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का सवाल आ रहा था कि भाई क्या मिस्ट्री शॉप आएगा, प्लीज बताओ। तो फाइनली गाइस यार अभी एक लीक्स निकल के आई है कि इस मंथ का पता नहीं, इस या फिर इसके नेक्स्ट मंथ, नवंबर या फिर दिसंबर में आप लोगों को गाइस यार एक मिस्ट्री शॉप देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसका गाइस यार छोटा सा ट्रेलर भी हम लोग को देखने को मिला है, तो आप देख सकते हो इधर पे ऐसा कुछ आएगा। और ये जो दो मेन बंडल दिख रहे हैं ये आपके मेन बंडल होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कुछ टेनिस प्लेयर का दिखाया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता फ्री फायर वाले अभी कोई टेनिस प्लेयर के साथ कोलेबरेशन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि आपको पता है फ्री फायर वाले किसी के ना किसी के साथ कोलेबरेशन कर रहे हैं, करते रहते हैं मतलब। तो बेसिकली ये जो आपको दिखाया गया है तो इसका मिस्ट्री शॉप मतलब कुछ टेनिस प्लेयर वाले जो बंडल है वैसा कुछ आने वाला है, मेल बंडल फीमेल बंडल। और इसमें गाइस यार कहा जा रहा है कि आपको इलाइट पास भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये दिसंबर पे हुआ, मतलब मिस्ट्री शॉप दिसंबर पे आया, तो आपको इसमें इलाइट पास देखने को मिल सकता है। क्योंकि दिसंबर में देखो क्या क्या है, दिसंबर पे आप लोगों का क्रिसमस भी है, तो क्रिसमस के कारण भी ये शायद कुछ दे सकते हैं। 25 तारीख को क्रिसमस का रिवॉर्ड्स मिलेगा, और उसके बाद आप लोगों को पता है न्यू ईयर है, मतलब आप लोग का दिसंबर ख़त्म होते ही जनवरी में आपका नया साल आ जाएगा 2023, तो 2023 में भी ये कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देंगे। तो बेसिकली ये सीन है, अब देखते हैं क्या होता है कि गिरना फ्री फायर इस मंथ देता है मिस्ट्री शॉप या फिर नेक्स्ट मंथ देता है, लेकिन अभी ये ट्रेलर छोटा मोटा निकल के तो आया है, और देखते हैं क्या पता इस मंथ ही दे दे इस मंथ के एंड में, अभी कोई श्योरिटी नहीं है, जब श्योर होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस यार अगले अपडेट के बारे में। तो अगला जो अपडेट है वो गाइस यार बेसिकली हमारे वेपन में कुछ चेंजेस से है। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गेम के अंदर कुछ वेपन्स, जैसे आपको पता है बहुत अलग अलग वेपन्स हैं, मतलब कोई लॉन्ग रेंज है, कोई शॉर्ट रेंज है, बहुत सारे हैं, और आपने देखा होगा कि गरना फ्री फायर हर ओबी में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहती है। तो फाइनली अभी लीक्स निकल के आ गई है कौन से गन की स्किन में चेंजेस आने वाली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने गाइस यार आप देख सकते हो जो गाइजर आप लोगों को अलग अलग दिखा रही है गन्स, जो थॉमसन हो गया, M1014 हो गया, AN94 हो गया, ये सारे आप लोगों को दिख रहे हैं वुडपैकर। ठीक है, सारे जो गन की स्किन है इसको गाइस कुछ बढ़ाया जाएगा, इसमें देख सकते हो ऊपर का साइन दिखाया गया बफ, यानी गाइस इसको कुछ अच्छा बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल आपने नोटिस किया होगा कि ये जो सारे गन्स है ये बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो अभी करना फ्री फायर इसमें कुछ अच्छा करने वाली है, मतलब जो जो यार M1014 यूजर है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो थॉमसन लवर है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली अब देखते हैं क्या होता है। और इसके साथ ये तो कुछ अच्छी गन के बारे में, मतलब जो अच्छी होने वाली है, अब जो गंदी होने वाली है उसमें से गाइजर कहा जा रहा है कि डेजर्ट ईगल को थोड़ा गंदा किया जाएगा, कार 98 हो गया, M500 हो गया, VSS हो गया, AC80 हो गया। तो ये जो सारी गाइज गन की स्किन दिख रही है, मतलब गन दिख रही है सॉरी, तो ये आप लोग के गाइजर कहा जा रहा है कि थोड़ी सी गंदी बनाई जाएगी, मतलब कुछ हो जाएगा, क्या पता इसकी डैमेज कम दे या फिर इसका एक्यूरेसी कम हो जाए या फिर इसकी
कुछ हो जाए मतलब, ठीक है। तो बेसिकली इसको डिक्रीज किया जा रहा है, तो देखते हैं गाइजर क्या होता है। तो ये बेसिकली वेपन एडजस्टमेंट है, गिरना करते रहती है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी जो गन स्किन है वो ओवर पावर हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जब क्रोनो आया था वो भी अपडेट, तो क्रोनो भी बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो गया था, फिर लोगों ने उसको अगले अपडेट में कमज़ोर कर दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे इतना कमज़ोर कर दिया कि आज क्रोनो को कोई यूज़ ही नहीं करता, ठीक है। तो गरना की स्ट्रेटजी रहती है, पहले लोग जब कुछ नई चीज़ आती है, जैसे क्रोनो आया था तो उसका बहुत इन लोगों ने एकदम प्रमोशन किया, रोनाल्डो का करेक्टर है, ये है वो है, और सबसे खरीदवाया, सब लोगों ने वो करेक्टर खरीदा, और जैसे भी वो करेक्टर बहुत तगड़ा लगने लगा, मतलब सबसे पहले तो पैसे बर्बाद करा दिए और लास्ट में उस करेक्टर को इतना कमज़ोर कर दिया कि आज क्रोनो को कोई यूज़ ही नहीं करता, ठीक है। इन लोग अगर पहले ही बता देते कि हम लोग उस करेक्टर को गंदा करने वाले तो उस करेक्टर को कोई लेता ही नहीं, ठीक है। बट गरीना की स्ट्रेटजी कमाल की है लूटने के लिए, गरीना कुछ ना कुछ करते रहता है लूटने के लिए। कितने लोग का इन लोगों ने पैसे वेस्ट किए थे क्रोनो के टाइम पे, ठीक है। तो जो भी है, जैसा भी है गाइस, ये तो हो गया गाइस सर हमारे इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगला जो अपडेट है वो गाइस सर एयरड्रॉप से है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अभी जो आने वाला हमारा ओबी अपडेट है उसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कैसा एयरड्रॉप गिरेगा, ठीक है। तो उसका भी गाइस सर मेरे को लीक्स निकल मिली है, ठीक है। ऐसा कुछ गाइस सर आप लोग को एयरड्रॉप देखने को मिलेगा ये वाले कलर का, और ये भी दिखने में गाइस सर ठीक ठाक है। तो आप लोगों को गाइस सर ये वाला एयरड्रॉप कैसा लगा मुझे गाइस सर कमेंट्स में बताना। मुझे तो गाइस सर ठीक ठाक सा लगा, बट देखते हैं गाइस सर क्या होता है। जो भी है जैसा भी गाइस काफी ओपी है, ठीक है। गाइस सर जो अगला अपडेट है वो गाइस सर बेसिकली आप लोग के दिमाग को सुकून दिला देगा, वो है गाइस हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल। तो सामने गाइस आप देख सकते हो जो आप लोगों को दिख रहा है मस्त सा बंडल, तो ये गाइस सर हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल है, जिसके गाइस सर जिसने चश्मा पहना है, टैटू लगाया है, घड़ी भी है, टी शर्ट पैंट सब चीज मस्त है, और इसका नाम है कैंडिड कैजुअल बंडल, ठीक है। सोच सकते हो काफी ओपी है, गले पे भाई ने सोने की वो भी लगाई है, कहीं कोई प्लेयर इसको लूट ना ले, ठीक है। जो भी है जैसा भी है कैसा है आप लोग कमेंट में बताना, बट ये वाला जो बंडल है 80-90% का इधर कंफर्म हो चुका है कि ये आप लोगों को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप में से गाइस कितने बंदे इस वाले गोल्ड रॉयल को निकालेंगे मुझे गाइस कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये तो हो गया गाइस सारे अपडेट के बारे में, अब बात कर लेते हैं आखिरी चीज के बारे में। तो आखिरी में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं रिडीम कोड के बारे में। तो जैसे ही गाइस मैंने आप लोग को बताया था कि रिडीम कोड आएगा, अब किस चीज़ का रिडीम कोड, जैसे आपको पता है कि आज है 13 तारीख, ठीक है। तो आज है 13 नवंबर, कल है गाइस 14 नवंबर, और 14 नवंबर को क्या है, कल है चिल्ड्रन डे, ठीक है। तो गरना फ्री फायर गाइस अभी देखो ब्राज़ील सर्वर, वियतनाम सर्वर, और गाइस 2-3 सर्वर पे गाइस चिल्ड्रन डे का रिडीम कोड दे रही है, उधर पे गाइस कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और गाइस कहा जा रहा है देखो चिल्ड्रन तो हर जगह है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ब्राज़ील वाले ही बच्चे हैं, हम लोग के जो इंडियन सर्वर में खेलते हैं वो भी बच्चे लोग हैं। तो हम लोग को भी गाइस कहा जा रहा है कि इस बार रिडीम कोड मिलने वाला है, वो भी गाइस 14 नवंबर को, ठीक है, कल के दिन। ऐसा गाइस सुनने पे आएगा कोई सरप्राइज कोड आप लोगों को देखने को मिल सकता है कल के दिन, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि कल है चिल्ड्रन डे और गरना ने पहले भी ऐसे दिए हैं कभी कभार सरप्राइज। तो बेसिकली आप लोग रेडी रहना, एक्टिव रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई भी रिडीम कोड आएगा जब भी आएगा मैं आप लोगों को 1 सेकंड में बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट।